भूमि पूजन का ये पूरा कार्यक्रम संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक स्थल पर भूमि पूजन प्रधानमंत्री ने किया। ये उसकी उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही श्री रविदास जी स्मारक का शिलान्यास भी पीएम करेंगे। तो भूमि पूजन की वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने स्मारक स्थल पर भी भूमि पूजन किया है। स्मारक स्थल का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक स्थल पर भूमि पूजन और स्मारक स्थल का शिलान्यास। और ताज़ा अपडेट देने के लिए संवाददाता अश्विनी मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोनलाइन पर। अश्विनी, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है प्रधानमंत्री की तरफ से? इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम, और इस दौरान उन्होंने श्री रविदास जी स्मारक स्थल पर भूमि पूजन भी किया। उसकी ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अश्विनी, कृतिका, आज बेहद ऐतिहासिक क्षण सागर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर से सटे और तुमा में पहुंचे। उनकी अगवानी की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, और साथ ही साथ राज्यपाल मध्य प्रदेश के मौजूद थे, केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मौजूद थे। और पंचशिला पूजन के बाद बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत पूजा अर्चना की और भूमि पूजन किया संत शिरोमणि रविदास जी के भावी भव्य मंदिर के निर्माण के लिए। बड़ी संख्या में यहाँ पर रैदासी समुदाय के संत महात्मा यहाँ पर मौजूद थे, और साथ ही साथ बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। और पंचशिला पूजन के बाद गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में और माँ भारती की वंदना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक समरसता का संदेश देने वाले संत शिरोमणि रविदास के भव्य मंदिर की पूजा अर्चना की। अगर इस मंदिर की बात करें तो ये मंदिर तकरीबन 11 एकड़ से ज्यादा बड़े क्षेत्र में बनाया जाएगा और 101 करोड़ रुपए से ज्यादा मंदिर के निर्माण में लागत आएगी। और ये मंदिर बेहद भव्य होगा, नागर शैली में ये मंदिर बनेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर के जो प्रतिकृति है उसका भी उन्होंने अवलोकन किया। उन्होंने देखा कि इस मंदिर का भावी स्वरूप क्या होगा। नागर शैली में बना ये मंदिर देश के प्रमुख मंदिरों में माना जाएगा। और इस मंदिर के साथ साथ एक म्यूजियम भी होगा, संग्रहालय भी होगा, जहाँ पर संत रविदास के व्यक्तित्व, कृतित्व और जीवन को प्रदर्शित किया जाएगा, उनकी शिक्षाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। श्रद्धा सुमन अर्पित किया उन्होंने संत रविदास की मूर्ति पर, प्रतिमा पर, और उसके अलावा उन्होंने बड़ी संख्या में मौजूद